हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 क्वाड्रिलेटर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी सारी डिफाइन करूंगा, रोम्बस क्या होता है, पैलोग्राम क्या होता है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो इस वीडियो में उसकी बात नहीं करेंगे, ना ही इस चैप्टर के पूरे किसी वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अलग से वीडियो बना के वो तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा और उसको भी जरूर देखना, कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो मैं बहुत कुछ समझ में आएगा। चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या थ्योरम 8.1 से। थ्योरम 8.1 क्या आता है, क्या है कि अ डायगोनल ऑफ ए पैलोग्राम, किसी भी पैलोग्राम का, तो पहले पैलोग्राम बना लेते हैं। ये हमारा एक पैलोग्राम है ए बी सी डी, और डायगोनल ऑफ पैलोग्राम, इसका एक डायग्राम बनाते हैं। डिवाइड इंटू टू कॉमन ट्रायंगल, इन्हें दो कॉमन ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। ये इसने कहा है भाई, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले चैप्टर नंबर 7 को अच्छे से पढ़ लेगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। चलो तो इसे प्रूफ करते हैं। तो पहले देखते हैं गिवन क्या है। हमें गिवन है, सबसे पहले गिवन ए बी सी डी इज अ पैलोग्राम, ये गिवन है। और क्या गिवन है, ए सी इज क्या, इसका डायगोनल। तो प्रूफ में क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि ट्रायंगल ए डी सी जो है वो कॉन्गोनेंट है ट्रायंगल सी बी ए के। अब आते हैं प्रूफ पे। अभी बात सुनो, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्गोनेंट प्रूफ करना बहुत आसान है। अगर तुम तो पैलोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करो, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है पैलोग्राम की। क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल, यानी ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो तुरंत हो जाएगा, ठीक है ना। वो तो हर तरीके से आएगा, मगर इसकी ये प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो अलग की बात है, बाद में बताऊंगा। क्योंकि बाकी जो थ्योरम है 8.2 8.3, उसमें ये प्रूफ करना है। 8.2 8.3 में सब में प्रूफ करना है। हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तुम याद रखना हमेशा, जब भी तुम्हें पैलोग्राम के थ्योरम्स को प्रूफ करना होगा, है ना, तो पैलोग्राम के पास एक प्रॉपर्टी यूज करोगे कि अपोजिट साइड आर पैरेलल, अपोजिट साइड आर पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल। इस प्रॉपर्टी के अलावा और कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करोगे पैलोग्राम प्रूफ करने के लिए। तो देखो कैसे करते हैं, आसान है। लेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल सी बी ए। देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, अल्टरनेट एंगल, भैया प्रॉपर्टी एक यूज कर रहे हैं ना पैनल वाली, तो एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, क्यों, अल्टरनेट एंगल। किसके अल्टरनेट एंगल्स हैं, किस लाइंस के, लाइन ए बी जो है वो पैनल है डी सी के, ये बताना पड़ेगा, एंड ए सी क्या इसका ट्रांसवर्सल। बात समझ में आ गई। चलो ए सी इज इक्वल टू सी ए कॉमन, भैया एक लाइन कॉमन भी तो है, ये कॉमन हो गया। अब देखो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है ना, अल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल डी ए सी इज इक्वल टू डी ए सी, यानी ये वाला इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, क्यों, ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो भैया अल्टरनेट एंगल बताने के साथ साथ ये बताने पड़ेंगे कौन सी लाइन क्या है, इन दोनों लाइन से, लाइंस ए डी इज पैरेलल टू बी सी और ए सी क्या इसका इज ट्रांसवर्सल। बात समझ आ गई। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, बस हमारा प्रूफ हो गया। बात समझ में आ गई। चलो इसे नोट कर लो, ठीक है ना, इसे नोट करूं, बाई किससे, किस रूल से, बाई एंगल साइड एंगल, राइट, एंगल साइड एंगल रूल से, इस रूल से हुआ ना, तो नोट कर लो इसे, ठीक। अब देखो मैं क्यों कहा था कि तुम उस प्रॉपर्टी को मैं यूज करना जिसमें ये लिखा होता है कि अपोजिट साइड इक्वल, हम अपोजिट साइड वाले इक्वल क्यों यूज नहीं करेंगे, अगर 8.2, तो मैं कह रहा था कि 8.2 थ्योरम की बात करते हैं ना। तो देखो 8.2 थ्योरम कहता है इन अ पैरेलोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल, इन अ पैरेलोग्राम, इन अ ग्राम अपोजिट साइड इक्वल, तो भैया इसे प्रूफ करना होगा ना, अपोजिट साइड इक्वल, ठीक है ना, इसे प्रूफ करना होगा। तो यहां के पास टू प्रूफ चेंज कर दो,
एबीसीडी से पैलोग्राम, ठीक है भाई, ए सी इज डायगनल। हम इसे टू प्रूफ में चेंज क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड डी सी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। अब भैया इसको प्रूफ में बस यही सेम रहेगा, बस इतना अंतर कर दो उसके बाद, ए डी इज इक्वल टू बी सी और डी सी इज इक्वल टू ए बी, और लिखोगे क्या यहाँ पे सी पी सी डी, हो गया ये थ्योरम भी प्रूफ। बस मैं इसलिए मना कर रहा था कि वो वाला मतलब वो अपोजिट साइड इज इक्वल, क्योंकि उसको तो प्रूफ करना है आगे। बस है 8.2 कंप्लीट हो गया। नाउ अगर 8.3 की भी बात नहीं करेंगे, 8.4 की बात करते हैं, किसकी, 8.4 की, थ्री रुक जाओ, टू हो गया और सीधे आते हैं फोर पे, थ्री को मैं बाद में प्रूफ करूंगा। फोर ये कह रहा है इन अ पैलोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल, इन अ पैलोग्राम अपोजिट, सॉरी वहां तो लिखना ही भूल गया था, अपोजिट एंगल आर इक्वल, हमें प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल इक्वल है किसी भी पैलोग्राम के, ठीक है। तो अपोजिट एंगल कैसे इक्वल प्रूफ करेंगे, तो भैया ज़्यादा चेंज नहीं करना है, बस गिवन चेंज कर दो और यहाँ चेंज करना होगा हमें, तो गिवन में क्या हो जाएगा, और सॉरी टू प्रूफ में क्या चेंज करना है हमें, कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, तो यहाँ पे लिख सकते हो एन डी सी पी सी डी, और फिर इसके बाद लिखना सिमिलरली, यहाँ लिख देना सिमिलरली एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये भी हो गया प्रूफ भैया, सिमिलरली लिखा हुआ है, ठीक है ना, हो गया प्रूफ। तो तुम्हें एक ही तरीके से तीन हो गए, अब बाकी है 8.3, चलो उसे प्रूफ करते हैं। बिफोर दैट नोट इट, देखो थ्योरम 8.3 क्या कहता है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैलोग्राम, क्या ये रहा है, अब इसका उल्टा ही है जो 8.2 का उल्टा है समझो, है ना, कि अगर हर एक पेयर अपोजिट साइड ऑफ, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, नाम डाल देते हैं ए बी सी डी, तो गिवन में क्या आएगा, गिवन में आएगा ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटर, इसे पैलोग्राम नहीं लिख रहा हूँ, क्वाड्रिलेटर लिखा हूँ, जो किसे क्वाड्रिलेटर कहा गया है, ठीक है ना। और क्या कहा गया है कि ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो टू प्रूफ क्या करना है हमें, हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज, ए बी सी डी इज पैलोग्राम। तो देखो एक बात समझो, जो गिवन होता है ना उसी को यूज करके हमेशा प्रूफ किया जाता है, जो गिवन होता है उसी को यूज करके हमेशा प्रूफ किया जाता है, इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। प्रूफ में हमेशा हम गिवन को ही यूज करते हैं। तो देखो क्या करना है, बहुत आसान है, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल सी बी डी, ठीक, ए बी इज इक्वल टू डी सी और ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों कैसे पता चला, गिवन है, और डी बी इज इक्वल टू डी बी कॉमन, ठीक है, कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाई एस 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 रूल, ठीक। तो हमें मिला क्या है, इससे हमें ये मिल गया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी बी डी सी पी सी टी, और एंगल और ये एंगल इक्वल है, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी डी सी, ये भी सी पी सी टी, इसे इक्वेशन नंबर वन मान लो, इक्वेशन नंबर टू मान लो, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी बी डी फ्रॉम फर्स्ट, और ये क्या है, दे आर पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल ऑफ किसके लाइन के, ये किसके अल्टरनेट एंगल है, ए डी बी यानी ये दोनों किसके अल्टरनेट एंगल्स हैं, लाइन ए डी एंड बी सी विथ ट्रांसवर्सल डी वी,
तो हमें क्या मिल गया, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। सिमिलरली ए डी इसके पैरेलल मिल गया, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। सिमिलरली क्या हुआ, ए डी जो है वो पैरेलल है बी डी के। तो सो दो बोथ पेयर अपोजिट साइड ऑफ पैरेलल ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। बस समझ आ गया, इससे हमें क्या मिल गया, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। चलो ये नोट कर लो तुम, ठीक है ना। अब देखो 8.4 तक हो गया था। 5 पे कहता है इफ इन क्वाड्रिलेटर ईच पेयर अपोजिट साइड इक्वल, अगर सारे अपोजिट साइड इक्वल हैं तो क्वाड्रिलेटर क्या होता है, पैरेललोग्राम। खुद से कर लेना। 8.6 की बात करें, कह रहा है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। सिंपल सी बात है, ये क्या, ये इसको डिवाइड करता है और ये इसको डिवाइड करता है। जो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यानी ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, ये एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ही है। और अगर किसी क्वाड्रिलेटर के डायगोनल बाइसेक्ट करें तो वो पैरेललोग्राम है। ये 8.7 हो गया, ठीक है। तो 8.7 तक कर लेना। अभी आते हैं थ्योरम 8.8, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। कहता क्या है, मेन चीज़ पे समझते हैं और उसको समझते हैं प्रूफ। तो पहले से नोट कर लो, फिर करते हैं 8.8। चलो स्टार्ट करते हैं थ्योरम 8.8। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये नहीं कि इसका प्रूफ आता है एग्जाम में, इसलिए नहीं, इसका यूज़ बहुत है, पूरे चैप्टर में है, आगे तुम्हें 9th और 10th में भी इसका यूज़ बहुत मिलेगा। इस थ्योरम का यूज़ बहुत है। कहता क्या है, क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम। कोई भी क्वाड्रिलेटर जो है, मान लेते हैं क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है इफ, अगर अगर लगा देते हैं भैया हमेशा इफ 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 अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, बोला अ पेयर, एक ही पेयर मतलब यानी ये वाला पेयर अपोजिट साइड आर इक्वल, इक्वल है और यही पैरेलल है, ये इक्वल भी है और यही पैरेलल भी है, तो ये कहलाएगा एक तुम्हारा पैरेललोग्राम, ये कहलाएगा पैरेललोग्राम। चलो गिवन देखते हैं, ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटर, और ये गिवन है, हम गिवन है कि ए बी जो है वो इक्वल है डी सी के एंड ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के। हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है हमें कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, सीधा आते प्रूफ पे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन से नहीं लिखा जाता इन सब में, सीधे आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ में सबसे पहले क्या करो, ज्वाइन ए सी, हम ए सी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है ना, ए सी ज्वाइन कर लिए। तो अब दोनों ट्राइंगल कॉमन प्रूफ करते हैं, ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी ए, ए डी सी लिए थे ना, ए डी सी तो होना चाहिए सी बी ए, सी बी ए, ठीक है ना। तो कैसे कॉमन प्रूफ होगा, बहुत आसान है भैया, ए बी इज इक्वल टू डी सी गिवन, और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे अल्टरनेट एंगल्स, तो एंगल डी सी ए, इधर क्यों लिखा डी सी ए और इधर लिखना चाहिए था मुझे डी सी इज इक्वल टू ए बी, क्यों, क्योंकि इस ट्राइंगल पार्ट इस तरफ और इस ट्राइंगल का पार्ट इस तरफ होना चाहिए, ये इधर ट्राइंगल है ना, तो यानी कि डी सी ए इज इक्वल टू बी ए सी, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल किस लाइन के, क्यों अल्टरनेट एंगल्स हैं, क्योंकि ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के, और ए सी इज इक्वल टू सी ए कॉमन, तो ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी ए डी सी इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी ए बाई एस ए एस रूल। बात समझ आ गई, अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे सी पी सी टी से, ए डी इज इक्वल टू बी सी सी पी सी टी, और हमें पता ही है कि ए बी जो है वो इक्वल है डी सी के, ये गिवन है। अब बोथ पेयर अपोजिट साइड अगर तुम्हारे पैरेलल हो, इक्वल होते हैं, बोथ अपोजिट साइड इक्वल यानी बोथ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड
आर इक्वल, सो ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो सारे थ्योरम प्रूफ हो गए 8.8 तक, ठीक है ना। और इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 8.1। 8.8 तक सारे थ्योरम प्रूफ हो गए, तो थ्योरम को कॉपी में नोट कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे 8.1 एक्सरसाइज और थ्योरम, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे और टेक केयर।